अपने नेबर की मैरिड लड़की के साथ अफेयर करने के बाद एक आदमी को सुसाइड करने के लिए एक बिल्डिंग पर आना पड़ा। आखिर उसे ऐसा क्यों करना पड़ रहा था, यह हम आज के हमारे मूवी द लेज 2011 की एक मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है हॉलिस। वो हॉस्पिटल में स्पर्म डोनेट करने के लिए आया हुआ था क्योंकि उसका एक कपल फ्रेंड था जो उसका बेबी चाहते थे। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उसे कभी भी बच्चे हो नहीं सकते। इस बात से हॉलिस को बहुत बड़ा शॉक लगा क्योंकि उसके घर पर उसके दो बच्चे हैं। इसका मतलब है उसकी वाइफ ने उस पर चीट किया था। इसके पैरेलल में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है गैविन। गैविन एक बड़ी सी बिल्डिंग के रूफटॉप पर आ गया और वहां से अब सुसाइड करने वाला था। जरा टाइम गुजर जाता है पर वो जम नहीं कर पाता। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और गैविन से बात करने का काम ही हॉलिस को ही दिया जाता है। हॉलिस गैविन के पास आया और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसने गैविन से पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? गैविन कहता है कि नहीं हुई। तो हॉलिस कहता है, तो फिर तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो? वो एक छोटा सा जोक करने की कोशिश कर रहा था पर गैविन इसके मूड में नहीं है। हॉलिस ने कहा, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तो क्यों ना हम डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाए। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गैविन कहता है कि मुझे डायरेक्टली पॉइंट पर नहीं आना, या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हॉलिस ने कहा कि हाँ। गैविन ने पूछा कि क्या तुम्हारी अब तक रिलेशनशिप अच्छी है? हॉलिस उसे झूठ कहता है कि उनकी रिलेशनशिप बहुत ही बेस्ट है। गैविन ने हॉलिस से कहा, मेरे जाने के बाद तुम्हें काम करना पड़ेगा। हॉलिस इसके लिए मना करता है, कहता है जो भी काम है तुम नीचे आकर कर सकते हो। हॉलिस समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उससे पूछता है, क्या तुम ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हो? अगर 12 बजे तक मैंने सुसाइड नहीं की तो किसी और की डेथ हो जाएगी। अब क्लॉक में 11 बजे थे। गैविन ने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में गैविन रहता है वहां पर अभी अभी एक कपल रहने के लिए मूव हुआ है। इसमें वाइफ जिसका नाम था शाना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एक दिन गैविन जब घर से निकला तो शाना और वो ये दोनों एक ही बस लेते हैं। एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। गैविन होटल में एज ए मैनेजर काम करता था। उसकी स्टाफ की फ्रेंड उसके पास आई, उसके साथ वो फ्लर्ट कर रही थी। गैविन उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो अपने स्कूल के ऐसे के बारे में बात कर रही थी जिसमें उसे लाइफ के एक नॉन लिविंग थिंग जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में लिखना था। उस लड़की के जाते वक्त हम शाना को इंटर होता देखते हैं। ये दोनों एक ही स्कूल में थे। शाना को भी काम की जरूरत थी तो गैविन के पास इंटरव्यू देने के लिए वो आई हुई थी। अपने बारे में बताते हुए शाना ने कहा कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है पर इसे मैं अब तक पैसे नहीं कमाती, तो तब तक वो एक जॉब करना चाहती थी। गैविन ऑलरेडी शाना को लाइक करता था तो उसने उसे हायर कर लिया। घर पर आने के बाद गैविन का रूममेट जिसका नाम है क्रिस, ये उससे बात कर रहा था। कहता है कि हमारे यहाँ पर एक नेबर रहने के लिए आई हुई है जिसका नाम है शाना, उसे मेरी एक दो बार बात हुई, वो बहुत ही अच्छी है। गैविन कहता है कि होटल में जॉब करने के लिए वो आई हुई थी। फ्रेंड कहता है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर तुम दोनों में कुछ ना कुछ तो होने वाला होगा। इस बात को गैविन इग्नोर कर देता है क्योंकि वो इस तरीके की कोई भी चीज़ को नहीं मानता। आज उनसे मिलने के लिए शाना और उसका हस्बैंड जो दोनों आए, उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट सीन में गैविन ने शाना को सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये लोग डिनर पर फिर से मिलते हैं। गैविन ने पूछा कि तुम अपने ऐसे में क्या लिखने वाली हो? शाना कहती कि मैं एक टेडी बियर के बारे में लिखने वाली हूँ। गैविन इस पर हंसा पर यह बात शाना को अच्छी नहीं लगती। शाना के हस्बैंड जो को लग रहा था कि गैविन और क्रिस ये दोनों गे हैं पर एक्चुअल में सिर्फ क्रिस ही गे था। वो डिनर के वक्त प्रे करता है और गॉड से कहता है कि इन आदमियों ने जो भी किया है इन्हें माफ़ कर देना। उसने उन्हें पापी भी कहा था। इस बात से गैविन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वैसे वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में क्रिस भी निकल जाता है पर उसके हस्बैंड के लिए शाना ने उसे सॉरी कहा। गैविन फ्रेंड से कहता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो भी लोग गे हैं उन्हें मार देना चाहिए। इस तरीके की जो की भी सोच होगी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। क्रिस ने कहा कि शाना अच्छी है, उसने मुझे सॉरी कहा था। गैविन शाना के ऐसे में इंटरेस्टेड था तो शाना उसे पढ़ने के लिए उसका ऐसे दे देती है। वो जब छोटी थी तो उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे पर जाने से पहले उसे टेडी बियर देकर गए थे। उन्होंने उसे आई लव यू कहा था पर ये बोलते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। ये टेडी बियर निशानी थी कि उसके फादर उसे बहुत ही प्यार करते थे, इसी वजह से उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने के बाद गैविन को अपनी बेटी की याद आ जाती है। होटल में दोनों जब फिर से मिले तो शाना ने उसे फिर से सॉरी कहा। गैविन उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच कर सकते हो,
शाना कहती कि यहाँ पर जो मेड काम करती है वो चर्च में भी आती है, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो मैं ट्रबल में आ जाऊंगी। गैविन कहता है कि हम कहीं और लंच के लिए चलेंगे, वरी मत करो। लंच व शाना अपने फादर के बारे में बताती है, कहती है कि वो हमें बहुत मारा करते थे, शायद वो डर गए थे कि वो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर देंगे, इसी वजह से घर छोड़कर चले गए। गैविन मूड ठीक करने के लिए उसे एक बियर ऑफर करता है, वो पहले मना करती है पर बाद में ले लेती है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं जिसमें गैविन हॉलिस के साथ बात कर रहा है। गैविन कहता है कि जब जो ने मेरी इंसल्ट की थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि शाना के साथ मैं अफेयर करूंगा। ये बात करते हुए हॉलिस को अपने वाइफ का फ़ोन आया, वो इससे पहले घर गया था और अपनी वाइफ को उसने कन्फ्रंट किया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर घर से निकल चुका था। वो अपने बच्चों की फ़ोटोज़ देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है। कंट्रोल कर उसने गैविन से कहा कि अपनी स्टोरी को तुम कंटिन्यू करो। एक दिन गैविन से फिर से जो मिला था उससे बात करनी थी। उसे कहता है मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ, फेथ, रिलीजन, इन सब चीज़ों के बारे में उसे बात करनी थी। गैविन इन सब पर बिलीव नहीं करता पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए मान जाता है। गैविन और शाना बस में मिले, शाना उससे पूछती है क्या तुमने कभी शादी की थी। गैविन कहता है कि हाँ मैंने की थी, पर मैरिज में मेरे प्रॉब्लम्स कुछ अलग थे। मुझे लगता है तुम्हारे मैरिज में कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स है। किसी ने अगर तुम्हारे साथ रहम खाकर शादी की इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमसे वो प्यार करता है। शाना को ये बात अच्छी नहीं लगती तो गैविन ने सॉरी कहा। उसने पूछा कि तुम्हारा डिवोर्स कब हुआ था। गैविन कहता है कि 2 साल हो गए। शाना ने कहा तुम अपने आप को रिकवर करने में बहुत टाइम ले रहे हो। गैविन मजाक में कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होने लग गए तो मैं जल्दी जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। गैविन ने हॉली से कहा कि मेरी ये ट्रिक थी, उसके माइंड में मुझे एक आइडिया डालनी थी, अगर इसके बाद शाना का अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा होता वो डायरेक्टली मेरे पास आ जाती, मेरे बारे में ही सोचती। सचमुच में ऐसा ही हुआ था, शाना उसके बारे में सोचने लग गई थी। अगले दिन बस में जब फिर से मिले तो गैविन उसे कल के लिए सॉरी कहता है। उसने कहा कि मैं फिर से तुमसे कभी भी फ्लर्ट नहीं करूंगा, ये भी उसकी एक ट्रिक थी, उसे अटेंशन देकर फिर से उसे दूर जाना। रात में गैविन और जो ये दोनों मिले, ये रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे। गैविन कहता है कि रिलीजन के नाम पर लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि 9/11 उन्होंने खुद से सुसाइड बॉम्बिंग की, ये बहुत ही गलत चीज़ है। जो कहता है कि वो अलग चीज़ है, हमें गॉड पर हमारी फेथ के लिए बिलीव करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में छोटे से लड़के की डेथ हो रही हो उसे लगता है कि वो हेवन में जाएगा तो हम उसकी फेथ को क्वेश्चन नहीं कर सकते। गैविन कहता है कि ये भी बात सच है पर फिर भी गॉड एग्जिस्ट करता है, ये मानने के लिए रेडी नहीं था। गैविन की लॉजिकल बातों की वजह से गैविन ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। शाना ये देखकर गैविन से कहती है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अगले दिन शाना गैविन से बात करती है, उसने कहा जब मैं टीनेजर थी तो मुझे ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। एक दिन वो पैसों के लिए एक आदमी के पास गई जिसने उसे बहुत मारा था, इन सब की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो रही थी। वो जब हॉस्पिटल में थी तब जो से मिली थी, जो ने उसे ज़िंदगी जीने का एक सही तरीका दिखाया, वो इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल है। वो गैविन से कहती है कि प्लीज़ उससे ज़रा दूर रहना, कल रात जो भी हुआ इसके बाद और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चर्च में वो जाने वाला है। शाना चाहती थी कि गैविन भी उससे दूर रहे। गैविन कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। शाना कहती कि तुम भी हैंडसम हो। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। गैविन सचमुच में उससे दूर रहने लग गया। एक दिन होटल के स्टाफ के फादर की डेथ हो गई, वो बहुत रो रही थी। गैविन उसे सहारा देता है और उसे लग रहा था कि उसके फादर हेवन में जा रहे हैं तो गैविन भी इस बात से एग्री करता है। शाना ये सब देख रही थी। रात में गैविन रूफटॉप पर हैंग आउट कर रहा था तो उसके पास वो आ जाती है। गैविन सिगरेट पी रहा था तो शाना कहती कि जब मैं हाई होती थी तो मुझे वो पसंद आता था, पर जब जो मेरी लाइफ में आया तो उसने मुझे फेथ दिखाई। गॉड पर बिलीव करने के बाद उसे ड्रग्स करना अच्छा नहीं लगता था। गैविन कहता है कि गॉड के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे तुम इंस्पायर हो सकते हो। पास के लॉन पर आकर वो लेट जाता है। उसने शाना को भी बुलाया, कहा कि देखो ये स्काई कितना ब्यूटीफुल है, इसकी लाइट हमारे पास पहुँच रही है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। इस तरीके की नेचुरल ब्यूटी भी हमें इंस्पायर कर सकती है। शाना सिर्फ चाहती थी कि उससे भी कोई प्यार करे, तो गैविन उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो घर पर आए और जो ने प्रेयर की। वो शाना से कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना किसी से प्यार कर पाऊंगा। अगले दिन डायरेक्टली शाना गैविन से कहती है कि हमें होटल के रूम में मिलना चाहिए। उसने इसके बारे में बहुत सोचा था और उसके साथ आज रात वो इंटीमेट होना चाहती थी। रात में इन्होंने मिलने का डिसाइड किया। गैविन उसके मोबाइल पर होटल का नाम का टेक्स्ट कर देता है। ये टेक्स्ट जो ने पढ़ लिया। शाना जो से कहती कि मेरी एक्स्ट्रा शिफ्ट है
और यहाँ से चली जाती है। जो ने भी उसका पीछा किया। शाना गैविन से मिली, उसके साथ इंटीमेट हो गई। जो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन शाना गैविन से कहती है, मुझे लगता है कि जो को सब कुछ पता चल चुका है। उसने मुझसे कल और आज कुछ भी बात नहीं की, और कल मैं जब घर पर आई तो कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कहाँ से आई हो। गैविन ने कहा कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। शाना कहती कि मैं डरती हूँ, अगर मैं उसे छोड़कर चली गई तो खुद को हर्ट कर देगा। पर वो फिर भी गैविन के बारे में हमेशा सोचती रहती है। उसने भी कहा कि मैं भी हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। फिर से प्रेजेंट में हॉलिस को अपनी वाइफ का कॉल आया। वाइफ समझाती है कि जो भी हुआ था ये सिर्फ एक अरेंजमेंट थी, हम बहुत ही ट्राई कर रहे थे पर कुछ भी हो नहीं रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें खुश करने के लिए ये सब किया हुआ था। फिर से स्टोरी आगे बढ़ती है। शाना और गैविन एक दूसरे से कंटिन्यूसली मिलने लग गए थे। एक दिन जो ने उन्हें सुना और उसे बहुत ही बुरा लगा। शाना गैविन से पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। गैविन कहता है कि 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट के लिए उसकी वाइफ उसे ब्लेम करती थी, उसी वजह से उसे छोड़कर वो चली गई थी। शाना ने कहा कि अगर हम एक साथ रहे तो बहुत खुश रहेंगे। गैविन भी यही चाहता था। प्रेजेंट में गैविन हॉली से कहता है, स्टार्टिंग में सिर्फ ये मजाक में कर रहा था, पर बाद में मुझे एक्चुअल में शाना से प्यार हो गया। गैविन ने हॉलिस से पूछा कि तुम अपनी वाइफ से प्यार क्यों करते हो। हॉलिस उसे आज जो भी हुआ था इसके बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। हॉलिस ने कहा कि ऑलरेडी मेरा डे बहुत ही हार्ड है, जल्दी से नीचे आ जाओ और ये सब खत्म हो जाएगा। गैविन फिर भी मानता नहीं। एक दिन जो ने शाना से बात की, उसे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम किसी दिन होटल में चल सकते हैं, मैं तुम्हें प्रॉपरली सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। आज शाना जो को छोड़कर जाने वाली थी पर अपना माइंड वो चेंज कर लेती है। उसने गैविन से कहा कि मुझे और भी ज़रा टाइम चाहिए। एक दिन फिर शाना और जो फिर होटल रूम में मिले। इसके बाद क्या हुआ यह हमें आगे पता चलेगा। गैविन जब घर पर आया तो जो उसे घर में बुला लेता है, कहता है कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो कहता है मैं भी पहले गॉड पर बिलीव नहीं करता था, मेरी वाइफ थी, मेरी एक बहुत ही अच्छी सी फैमिली थी, मुझे गैम्बलिंग की एक बहुत ही बुरी आदत पड़ गई और उसी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। उसके बाद फिर मैं चर्च में जाने लग गया, गॉड की वजह से मुझे सब कुछ मिल गया। फाइनली शाना भी मेरी लाइफ में आ गई, उसे बहुत ही प्यार करता है। जो ने कहा कि मुझे शाना और तुम्हारे बारे में पता है। उसे बाइबल का एक पैसेज रीड करने के लिए कहता है। इस पैसेज में लिखा था कि अगर मैरिड पर्सन ने किसी के साथ अफेयर किया तो उसे और जिसके साथ उसने अफेयर किया है इन दोनों को मार देना चाहिए। जो के हाथ में गन थी तो गैविन डर जाता है। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था, उसे समझ में आ नहीं रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। जो कुछ भी कर नहीं पा रहा था तो गैविन को उसने छोड़ दिया। गैविन से बात करते हुए हॉलिस ने नोटिस किया कि उसे दूर से कोई देख रहा है। हॉलिस को शक आता है कि जो की वजह से ही गैविन सुसाइड कर रहा है। अपने सुपीरियर से उसने बात की और आगे की बिल्डिंग की तलाशी लेने के लिए उसने उसे कहा। फिर से स्टोरी में हम देखते हैं जो जब शाना से मिलने के लिए फिर से आया तो उसके हाथ पैर उसने बांध दिए। वो गैविन को कॉल लगाकर कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब क्या करना है। तुम दोनों को मरने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों में से एक भी मर जाए वो भी इनफ है। तुम्हारे पास 12 बजे तक का टाइम है, होटल के आगे की बिल्डिंग पर जाओ और वहां से सुसाइड कर लो, वरना मैं शाना को मार डालूंगा। गैविन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर वो आया हुआ था। हॉलिस गैविन से कहता है तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था, मैं जल्दी से तुम्हें बचा लेता। गैविन कहता है कि जो शाना को हर्ट कर सकता था वो नहीं चाहता कि उसे कुछ भी हो। हॉलिस कहता है कि तुम जो को जानते भी नहीं, तुम्हें पता नहीं कि ऐसा कुछ करने का वो कैपेबल है। गैविन कहता है कि लोग फेथ में कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस शाना को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पर क्लॉक में 12 बज गए। गैविन को लगता है कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। वॉलिस से कहता है कि अगर तुम्हें शाना मिल गए तो उससे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। इसके बाद डायरेक्टली उसने जंप कर दी। शाना को ढूंढते हुए पुलिस पहुंच गए थे और जो को अरेस्ट कर लेते हैं। हॉलिस शाना से मिलकर कहता है गैविन ने मुझे बताया था कि तुमसे बहुत प्यार करता है, आज रात उसे सजेस्ट करता है कि किसी अपने के साथ रहे। वो फिर गैविन के फ्रेंड क्रिस के पास चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। शाम में हॉलिस अपने घर पर आया। गैविन ने उसे कहा था तुम्हारी वाइफ ने सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ किया हुआ है, वो अब भी तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे पास चॉइस है। हॉलिस को भी ये बात सही लगी और अपनी फैमिली के पास वो वापस आ गया। वो सारी बातों को भूल जाता है और पहले उसकी जैसी फैमिली थी उसी तरीके से फिर से कंटिन्यू करता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।
हम फिर से मिलेंगे और एक नमू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।